नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं टेक एग्रीकल्चर और मैं आपका दोस्त राजू तागर। दोस्तों, जैसा कि बहुत जो किसान भाई है, बहुत लोग कहते हैं कि जो सेवफल की खेती है वो हमारे राजस्थान में नहीं हो सकती है। तो हमारे इधर एक सेवफल का पौधा लगाया हुआ है, उस पर सेवफल भी लग रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जो पौधा देख रहे हैं, ये सेवफल का पौधा है और ये राजस्थान में लगाया हुआ है, यानी कि चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर ये पौधा लग रहा है, यानी कि मेरे ही खुद के खेत पर ये लगा रखा है। और इसके ऊपर सेवफल भी आते हैं, लगभग अभी आए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो मिट्टू वगैरह तोता वगैरह है वो इसको काट देते हैं, जिससे कि ख़राब होकर नीचे गिर जाते हैं। और दोस्तों, मैं नीचे गिरा हुआ फल भी आपको बताने वाला हूँ कि इस पे जो सेवफल है वो कैसे लगते हैं और राजस्थान में ये पौधा कैसे चल रहा है। देख सकते हैं आप कितना हरा भरा पौधा है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ दिख रही है। और इस पे फल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस पे फल भी लगभग बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिट्टू वगैरह है वो इसको काट देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको नीचे गिरा हुआ फल भी बता देता हूँ कि इस पे जो सेव फल है वो कैसे लगे रहते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर लग रहे हैं, इसको मिट्टू ने काट दिया है। मैं आपको जूम करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हवा चलने से ये दिख नहीं रहे, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे फल इस पे लगे हुए हैं और मिट्टू ने काटे हुए हैं। दोस्तों, एक फल नीचे गिरा हुआ है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस टाइप के इस पे फल लगते हैं, जो कि सेव फल का फल है ये। ये मिट्टू वगैरह ने हवा चलने से नीचे गिर चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा फल है, सेव फल का पौधा है। और जो बहुत हमारे जो किसान भाई है, बहुत सारे जो किसान भाई है, वो बोलते हैं कि सेव फल की खेती यहाँ पर नहीं होती है। तो मैं आपको इसका उदाहरण बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि सेव फल की खेती हमारे राजस्थान में भी हो सकती है। दोस्तों, इसका पौधा कहाँ पर मिलेगा इसकी जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पौधा है, इसकी जो डाली होती है, आप उसको काट के भी जब बरसात होती है उस समय आप कहीं पे भी इसको रोप सकते हैं, यानी कि ज़मीन में गाड़ दो। उससे क्या है कि इसका पौधा ऑटोमेटिकली ये पौधा चल जाएगा, क्योंकि इसके बीज से तो आप पौधा तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीज इसका उगता नहीं है बराबर। तो आप इसका जो डाली होती है उसको काट के आप लगा सकते हैं यहाँ से, किसी भी, जैसे आप इस टाइप की डाली भी लगा सकते हैं और पतली भी लगा सकते हैं, जो कि इसकी कलम हो जाती है, काट के आप ज़मीन में गाड़ दो, उसे ही चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।